सहरसा जंक्शन पर यात्रियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, पूरी रात आरक्षण की खिड़की के सामने रात गुजारने के बाद भी सुबह जब खिड़की खुलती है तो महज 2 से 3 मिनटों में सारी सीटें फुल हो जाती है। आरक्षण के इस मारामारी में स्थानीय बुकिंग क्लर्क कहता है कि वो क्या करें, जबकि 1 मिनट तो एक फॉर्म को भरने में लगता है। गाड़ी का नंबर भरना पड़ता है, यात्रा तिथि, क्लास, कहाँ से कहाँ जाना है, उसके बाद एड्रेस, पिन कोड, सारा चीज़ भरना पड़ता है। यह प्रक्रिया करने में कम से कम 1 मिनट लगता ही है और 1 मिनट के बाद कोई गाड़ी खाली नहीं रह पाता, इसलिए नहीं मिल पाता है। जो आगे से रहता है उसको मिलता है। ट्रेनों की कमी और यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने छठ के बाद स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा भी नहीं किया है, तो इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही जानकार बताते हैं कि टिकटों की दलाली और कालाबाजारी में भी एक बड़ा रैकेट होने के कारण आरक्षण का काउंटर खुलते ही फुल हो जाता है। इसमें रेलवे अधिकारियों समेत साइबर एक्सपर्ट की बात भी यात्री बताते हैं। बहरहाल, मुद्दा जो भी हो, लेकिन गरीब यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। यहाँ काम नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं तो टिकट नहीं मिल रही है। पूरी रात खड़े होने के बाद सुबह निराश होकर यात्री लौट जाते हैं। तो वहीं जब सहरसा जंक्शन पर हमारे संवाददाता इंद्रदेव ने बात की यात्रियों से, तो देखिए परेशान यात्रियों ने क्या कुछ कहा। हाँ? कब से लगे हुए हैं? 2 बजे रात से। कितने बजे टाइम है खुलने का टिकट का? ट्रेन का खुलने वाला ये कल का तत्काल का है ये। अच्छा, ठीक है, कल का खुल रहा है। मिला यहाँ से? नहीं मिला। नहीं मिला। अभी कब से खड़े हैं? अभी तो सुबह से खड़े, अभी क्या मालूम होगा कि होगा क्या, वो भी पता नहीं है। पता नहीं।